नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीडीएस दुकानों के लाइसेंस लेने की बदली प्रक्रिया, रेलवे ने अभ्यर्थियों को दी खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग 13,813 पदों पर अगले 3 महीने में करेगा बहाली। लंबे समय के बाद एक बार फिर बारिश की बौछारों से तृप्त हुए बिहारवासी। धवन के नेतृत्व में वेस्टइंडीज पहुंची 16 सदस्यीय भारतीय टीम। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी खुशखबरी। रेलवे की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों के घर से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र तय करने के लिए अब गूगल मैप की मदद ली जाएगी। इससे परीक्षार्थियों का समय तो बचेगा ही, आने जाने में लगने वाला उनका खर्च भी बच जाएगा। रेलवे ने बताया कि देश भर से अभ्यर्थियों की ओर से यह शिकायत मिल रही थी कि उनके शहर से ज्यादा दूर परीक्षा केंद्र होने से लंबी दूरी के साथ साथ रहने सहने और आने जाने में काफी खर्च हो जाता है। इसी को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए अहम फैसला लिया है। लंबे समय के बाद एक बार फिर बारिश की बौछारों से तृप्त हुए बिहारवासी। आखिरकार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही हुआ और बिहार में मॉनसून ने एक बार फिर से अपनी बौछारों से बिहारवासियों को तृप्त किया। मालूम हो कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया था कि बिहार में 20 जुलाई को राज्य के सभी जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की प्रबल संभावना है। इसके बाद आज सुबह से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आसमान में बादल घिरे रहे और दोपहर होने के साथ ही जोरदार बारिश हुई। हालांकि यह बारिश किसानों के धान की फसल के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन लोगों को गर्मी से बेहद राहत मिली है। वहीं अगले 24 घंटे तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बारिश होने की संभावना है। मोरौनी कारखाने में इस महीने से शुरू होगा यूरिया का उत्पादन। बिहार में 8,388 करोड़ की लागत से मोरौनी यूरिया कारखाना बनकर तैयार हो गया है। इस यूरिया कारखाने में इसी साल अगस्त महीने में उत्पादन भी शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिन मोरौनी फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मोरौनी खाद कारखाना की क्षमता 1.27 मिलियन मैट्रिक टन सालाना है। पहले मार्च 2021 फिर नवंबर 2021 में उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि दोनों बार कोरोना काल और रॉ मटेरियल की आपूर्ति में कमी की वजह से समय से काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर अब उम्मीद जगी है कि अगस्त 2022 से मोरौनी खाद कारखाना से यूरिया का न सिर्फ उत्पादन होगा बल्कि बाजार में भी आ जाएगा। इस कारखाने में यूरिया उत्पादन से किसानों को भी फायदा मिलेगा। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत अगस्त महीने से शुरू होगी पुलों की ऑनलाइन देखभाल। बिहार सरकार पुलों की देखभाल के लिए अहम कदम उठा रही है। बिहार सरकार नई तकनीक से पुलों की देखभाल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब राज्य में पुलों की देखभाल ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में इसकी जांच पड़ताल से अब स्क्रीन पर यह सूचना उपलब्ध होगी कि पुल के पाया में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, सुपर स्ट्रक्चर में किस तरह की समस्या है और रेलिंग की आयु सीमा क्या है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पुलों की सेहत पर नजर रखने को बन रही ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर कई वर्षों से काम चल रहा था। अब ऐसी संभावना है कि अगस्त में यह प्रयास सफल हो जाएगा। पीडीएस दुकानों के लाइसेंस लेने की बदली प्रक्रिया। बिहार में पीडीएस दुकान का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बदल गई है। राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों के डीलरों के कमीशन और परिवहन की राशि में भी वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आपको बता दें कि पीडीएस डीलर को 32.50 रुपए के तौर पर परिवहन के लिए और केंद्रीय सहायता की राशि से 35-35 रुपया मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब क्रमशः 35 रुपए और 45-45 रुपए कर दिया गया है। यूपी ने बिहार के किसानों को दिया बड़ा झटका। बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए आज से कुछ दिन पहले बिहार के जल संसाधन विभाग ने उत्तर प्रदेश के रिहन परियोजना से बिहार के इंद्रपुरी बराज और सोन नदी को सिंचाई के लिए पानी देने की अपील की थी, जिसके बाद जल संसाधन विभाग आश्वस्त था कि उन्हें यह मदद यूपी से मिलेगी, लेकिन बिहार के जल संसाधन विभाग के साथ साथ किसानों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश ने रिहन परियोजना से बिहार के इंद्रपुरी बराज और सोन नदी को सिंचाई के लिए पानी देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल यूपी के अधिकारियों की एक टीम रिहन परियोजना का निरीक्षण करने गई थी, लेकिन इस परियोजना वाले इलाके में इस बार कम बारिश होने से पानी की उपलब्धता कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में रिहन परियोजना से इंद्रपुरी बराज के लिए मांग के अनुसार पानी देने में असमर्थता जाहिर की है। आईजीआईएमएस में 2 मॉलिक्यूलर ऑपरेशन थिएटर की अगले 10 दिन में होगी
शुरुआत। राज्य के बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS में मरीजों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में IGIMS के G+8 मंजिला नए भवन के दोनों मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में 10 दिन में सर्जरी शुरू की जाने की सूचना है। इन दोनों ऑपरेशन थिएटर शुरू होने के बाद मरीजों को यहाँ मॉट्रियल वॉल्व रिप्लेसमेंट, सिंगल और डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ऑट्रियल वॉल्व रिप्लेसमेंट AVR, CMD से लेकर हृदय प्रत्यारोपण तक की सुविधा मिलेगी। जैसे ही एनेस्थीसिया विभाग से मरीजों को सर्जरी के लिए हरी झंडी मिलेगी, ऑपरेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। तीसरी कक्षा से सभी स्कूलों में जल्द ही शतरंज खेल होगा शुरू। आज यानी 20 जुलाई को प्रतिवर्ष शतरंज दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। शतरंज जैसे प्रसिद्ध खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार भी आगे आ रही है। इस दौरान बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण महानिदेशक रविन्द्र शंकरन ने बताया कि बिहार में जल्द ही शतरंज के लिए 2 से 3 एकलव्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही तीसरी कक्षा से सभी स्कूलों में जल्द ही शतरंज खेल शुरू करने पर काम कर रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड के बाद इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार चेस एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से बात हुई है। प्राधिकरण ने 2 शतरंज सेंटर खोलने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य विभाग 13,813 पदों पर अगले 3 महीने में करेगा बहाली। स्वास्थ्य विभाग में 13,813 कर्मियों की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इन 13,813 कर्मियों में 579 काउंसलर, 26 डिस्ट्रिक्ट कमेटी मोबिलाइजर, 8,853 ANM, 193 सीनियर ट्रिबलाइजर मैनेजर, 94 हॉस्पिटल मैनेजर, 15 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, 13 डिस्ट्रिक्ट डॉस टीवी सुपरवाइजर और 4,050 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर बहाली होना है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए मानव बल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अगले 3 महीने के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों की मुश्किलें बढ़ी। RSS की तुलना PFI से करने के बाद पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में बवाल होने के बाद अब यह मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। RSS की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से करने का आरोप पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। हालांकि इससे पहले SSP ने इस मामले पर सफाई दी थी कि हमारे द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसके बाद लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इस मामले पर दिल्ली में FIR के बाद यह राजनीतिक बहस के केंद्र में आ सकता है। CM नीतीश कुमार ने कहा, UPSC और BPSC की तैयारी के लिए सरकार करती है वित्तीय मदद। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बिहार सरकार UPSC और BPSC की तैयारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। बीते दिन 414.84 करोड़ रुपए की लागत से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों एवं 9 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा 3 नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवनों का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 और UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। नेपाली नगर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत फिलहाल बिहार दौरे पर हैं। वहीं पटना के राजीव नगर थाना के नेपाली नगर में अवैध निर्माण को लेकर हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई के बीच किसान नेता राकेश टिकैत नेपाली नगर एवं दीघा के अन्य क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। दौरा करने के बाद किसान नेता ने कहा कि बिना मुआवजा किसी भी तरह का अधिग्रहण अवैध माना जाएगा। सरकार बिना मुआवजा के किसी का जमीन नहीं ले सकती है। अगर दीघा में ऐसा हुआ तो अधिग्रहण को अवैध माना जाएगा। दरअसल दीघा के पूर्व मुखिया चंद्रवंशी सिंह के आमंत्रण पर नेपाली नगर एवं दीघा के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। धवन के नेतृत्व में वेस्टइंडीज पहुंची 16 सदस्यीय भारतीय टीम। शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। 22 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 29 जुलाई से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम मैनचेस्टर से सीधे वेस्टइंडीज के लिए रवाना हुई है। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने टीम के स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया है। वनडे सीरीज के लिए अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को
कप्तान बनाया गया है। देश भर में दो दिन बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले सप्ताह देश के साथ साथ बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले डराने लगे थे, लेकिन इस सप्ताह देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल ही रही थी कि आज फिर से देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज यानी बुधवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए केस सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 1,45,654 पहुंच गई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां भी कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है। अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य भर में कुल कोरोना संक्रमित मामले 2,376 पर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अजीत पड़ोस, इंद्रभूषण रवि, राकेश कुमार, कविता कुमारी, गोस्वामी जी, रोशन कुमार और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आज आपके क्षेत्र में भी बारिश हुई है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।